बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द ट्यूटोरियल सेशन। तो लास्ट टाइम हमने फोर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द फोर। बट बिफोर वी गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, मैंने ये मुनासिब समझा कि जो हमने कल बेटर प्रॉबिलिटी के फार्मूला देखा था एक दो जगहों पर, और आगे चल के आने वाले तकरीबन दो जगहों पे दो प्रॉब्लम्स में और ये फार्मूला यूज़ होगा। सो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं आपको एक ब्रीफ सी समरी विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स ऑफ डेरिवेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। सो इस पर्सपेक्टिव से इफ़ आई लुक एट दिस स्लाइड जो अभी आपके सामने खुली हुई है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ बर्नर्स क्लार में एक इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन 3.63 एंड दिस इक्वेशन 3.63 इज बेसिकली रिलेटेड टू द बिट एरर प्रोबेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बिट एरर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ई डी, ये डी सब्सक्रिप्ट में है बेसिकली, ई विद सब्सक्रिप्ट डी डिवाइड बाई ट्वाइस एन नॉट की इक्वल होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को देखूँ तो पी बी इज़ बेसिकली ई बेटर प्रोबेबिलिटी, ई डी इज़ बेसिकली एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल। लेट से मैं जीरो के लिए एक सर्टेन एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट करूँगा और वन के लिए एक दूसरा एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट करूँगा, तो बेटर प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है उन दोनों वैल्यूज़ के, दोनों एम्पलीट्यूड के बेसिकली डिफरेंस पे। ये हम पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने बिट एरर को रिड्यूस करना है तो हम दोनों बिट्स को बेसिकली जितना फार अपार्ट रख सकते हैं उतना हम फार अपार्ट रखते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बिट एरर प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ द एनर्जी के, और ये हमने डेरिवेशन में भी देखा था, मैच फिल्टर में भी हमने देखा था कि मैच फिल्टर में और कोरिलेटर में अगर आप देखें ओवरऑल तो आपका जो डिसीजन है करेक्ट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन वो डिपेंड करता है कि आपके पास सिग्नल की एनर्जी कहाँ लाए कर रही है, कितनी गैप से लाए कर रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हमारे पास दो सिंबल या दो बिट्स जितने फार अपार्ट होंगे उतना चांसेस हैं कि हमारे पास एरर जो है वो कम होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यहाँ पे ई डी इज़ बेसिकली एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल। तो जब हम डिफरेंस सिग्नल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जब मैं जीरो के लिए एक एम्पलीट्यूड रखूँगा और वन के लिए एक एम्पलीट्यूड रखूँगा तो मुझे इस फॉर्मूले में पुट इन करने के लिए मुझे उन दोनों एम्पलीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, दोनों का गैप जीरो और वन के लिए जो एम्पलीट्यूड रखे हैं उनके दरमियान डेफिनेटली कोई ना कोई गैप होगा, उस गैप की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी बेसिकली मुझे इस फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी। ये टू जो है वो फॉर्मूले का ही है, और ये जो एन नॉट है दिस इज बेसिकली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो ये बिट एरर प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली कैलकुलेटेड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन विद इन एन एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज चैनल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ई डी इज़ द एनर्जी ऑफ डिफरेंस सिग्नल और उसको हम बेसिकली डिस्टेंस स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली हमारे यूज़ हो रहे हैं, हम जितनी सिनेरियोज हमने पढ़े उनमें तीन केसेस में कोई एक सिनेरियो फिट इन होगा। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि मेरे पास जो सिग्नलिंग हो रही है दैट इज़ एंटीपोडल सिग्नलिंग। मैंने आपको पहले ये बताया था कि एंटीपोडल सिग्नलिंग का मतलब ये है कि मैं दो सिंबल ट्रांसमिट करूँगा, लेट से या दो बिट्स ट्रांसमिट करूँगा S1 और S2, और उनके दरमियान अगर तो S1 की जो एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री और S2 का जो एंगल है 180 डिग्री है, और इन दोनों के दरमियान का गैप बेसिकली एंगल के टर्म्स में 180 डिग्री है, तो वी कॉल दिस सिग्नल एज एंटीपोडल सिग्नलिंग। तो जब हम एंटीपोडल सिग्नलिंग कर रहे होते हैं तो इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये डिस्टेंस जो है 0 से लेके S1 तक का और यहाँ 0 से लेके S2 तक का, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस जो है दे आर इक्वल टू अंडर रूट EB। तो 0 से S1 तक का डिस्टेंस है अंडर रूट EB और 0 से S2 का डिस्टेंस है अंडर रूट EB। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम डिस्टेंस को हमेशा इन टर्म्स ऑफ बिट एनर्जी से डिफाइन करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल सिस्टम्स, और हमने ये पहले भी देखा था कि जनरली हम डिजिटल सिस्टम में वी आर मोर कंसर्न विद द एनर्जी एज अपोज टू व्हेन वी आर डीलिंग विद एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम में हम पावर से ज़्यादा कंसर्न होते हैं लेकिन डिजिटल सिस्टम में हम बिट एनर्जी या एनर्जी से बेसिकली ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर किया गया 0 से लेके S1 तक और 0 से लेके S2 तक का, ये भी बेसिकली EB की टर्म्स में लिखा गया है, क्योंकि इन दी एंड जब ये सारे का सारा फॉर्मूला कल्मिनेट होके एक फाइनल फॉर्म लेगा तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बिट एनर्जी। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे
सिचुएशन को देखूँ एंटीपोडल को, तो मुझे डिफरेंस निकालना है बिटवीन एस वन एंड एस टू. तो जीरो से लेके एस वन तक का डिस्टेंस है अंडर रूट ई बी, और जीरो से लेके एस टू तक का डिफरेंस डिस्टेंस है अंडर रूट ई बी. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ दैट टर्न आउट टू बी अंडर रूट ई बी. ये बेसिकली डिस्टेंस है मेरे पास. अगर मैं इस डिस्टेंस का स्केयर कर लूँगा तो मुझे इस डिफरेंस बिटवीन एस वन एंड एस टू की दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिल जाएगी. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड अंडर रूट ई बी विद अंडर रूट ई बी. एक दिस अंडर रूट ई बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एस वन एंड दिस अंडर रूट ई बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एस टू. और मैंने इस पूरी की पूरी चीज़ को स्केयर किया तो दैट इज़ बेसिकली एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल. सो इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल और मैं इनको ऐड करूँ दैट वुड बी ट्वाइस अंडर रूट ई बी होल स्केयर्ड. और अगर मैं स्केयर को अप्लाई कर दूंगा इसके अंदर तो इट वुड बी ई डी इज इक्वल टू फोर टाइम्स ई बी. तो यहाँ पे मेरे पास ई डी की वैल्यू आ गई है. अगर मैं इक्वेशन 3.63 देखूँ तो इक्वेशन 3.63 मेरे पास है पी बी इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ई डी अपॉन ट्वाइस एन नॉट. तो अगर मैं इस ई डी की वैल्यू यहाँ से डाल लूँ फोर टाइम्स ई बी तो मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाएगी दैट पी बी इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ फोर टाइम्स ई बी. बेसिकली मैंने ई डी की जगह फोर टाइम्स ई बी पुट कर दिया, टू एन नॉट एज इट इज आया. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो बेटर प्रॉबिलिटी कम्स आउट टू बी क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ई बी अपॉन एन नॉट. तो इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास एंटीपोडल सिग्नलिंग होगी विच मीन्स के एक बेट या एक सिंबल को मैंने जीरो डिग्री का फेज रखा हुआ और दूसरे को मैंने 180 डिग्री का फेज रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट. अगर मैं वेक्टर नोटेशन में बात करूं तो दे आर एंटीपोडल सिग्नलिंग, और एंटीपोडल सिग्नलिंग में बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ई बी अपॉन एन नॉट होगा. ये था एक सिनेरियो. अब आया था दूसरे सिनेरियो पे. दूसरा सिनेरियो है ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग का. ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग तब है जब आपके पास दो सिंबल, लेट्स सपोज एस वन आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एस टू डिफाइन किया हुआ है, और एस वन और एस टू के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्रीज. तो जब हम 90 डिग्रीज की बात करते हैं ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वैक्टर जो है वो अनकोरिलेटेड होंगे जब अगर इनके दरमियान 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है. तो अगर मेरे पास एस वन का डिस्टेंस अंडर रूट ई बी है और एस टू का डिस्टेंस अंडर रूट ई भी है तो मुझे इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो अगर मैं निकालूंगा तो डैट वुड बी अंडर रूट ट्वाइस ई बी. सिंपल ज्योमेट्रिकल परस्पेक्टिव इस पर बिल्ड किया हुआ है. तो अगर मैं अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करूं कि ई डी की जगह बेसिकली ई डी इज़ अ डिफरेंस सिग्नल की एनर्जी है बेसिकली, तो मैं अंडर रूट ट्वाइस ई बी जो कि डिफरेंस सिग्नल है और उसको स्केयर कर दूंगा तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी दैट टर्न्स आउट टू बी ट्वाइस ई बी. और अगर मैं उसको इक्वेशन 3.63 में पुट इन करूंगा तो आई विल एंड अप विद पी बी इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ ट्वाइस ई बी अपॉन ट्वाइस एन नॉट, एंड दैट इज बेसिकली पी बी इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ ई बी अपॉन एन नॉट. ये हो गया दूसरा सिनेरियो. अब आ जाते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ. तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मेरे पास सिचुएशन हो, लेट्स सी मेरे पास सिचुएशन अगर है कि मेरे पास यहाँ पे S1 जो है वो उसको मैं अंडर रूट ई बी रख रहा हूँ और जीरो को बेसिकली मैं रख रहा हूँ बेसिकली आप कह लें यूनिपोलर सिग्नलिंग की केस है. यूनिपोलर सिग्नलिंग का केस जो है दैट इज़ कि आप S1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट ई बी से और जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो वोल्ट से. तो इन दोनों के दरमियान का गैप जो होगा दैट वुड बी अंडर रूट ई बी. तो अगर मैं इस ई बी का स्केयर ले लूँ तो वो ई डी बन जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू ई बी आ जाएगा. यूनिपोलर का केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. मैंने स्कैन किया था, आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट पेपर, लेकिन अगेन इसको मैं एक दफ़ा दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे तब भी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक बिट जो है वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस वन से एक सर्टन एम्पलीट्यूड से और दूसरी बिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जीरो से. अज्यूम ये करें कि एस टू अगर जीरो होता तो ये सिचुएशन बन जाती यूनिपोलर सिग्नलिंग की. तो यूनिपोलर सिग्नलिंग में इन दोनों के दरमियान का जो गैप है या डिफरेंस सिग्नल दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ई बी. तो अगर मुझे डिफरेंस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है तो ई बी का स्केयर करूंगा, अगर मैं अंडर रूट ई बी का स्केयर करूंगा दैट वुड बी इक्वल टू ई डी. तो ई डी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बी होल स्केयर. तो ये बन जाएगा ई बी इज इक्वल टू ई डी. तो अगर मैं ई बी इज इक्वल टू ई डी वाली वैल्यू पुट करूंगा इसी इक्वेशन 3.63 में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर जो कि क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ई बी अपॉन ट्वाइस एन नॉट ही बन जाएगी.
इसकी डेरिवेशन जो पेज मेरे से मिस आउट हुआ है वो मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद होपफुली अभी मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग लेक्चर ट्यूटोरियल के साथ वो अपलोड भी हो जाएगा, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं कि व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दिस थिंग। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। सो लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम 3.11 से पहले जितने प्रॉब्लम थे वो ख़त्म किए थे, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉब्लम 3.11 फॉर टुडे। सो प्रॉब्लम 3-11 सेज दैट अ वॉइस सिग्नल इन द रेंज 300 टू 3300 हर्ट्ज इज सैंपल्ड एट 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। वी मे ट्रांसमिट दीज सैंपल्स डायरेक्टली एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पल्सेज, और वी मे फर्स्ट कन्वर्ट ईच सैंपल टू अ PCM फॉर्मेट एंड यूज बाइनरी PCM वेव फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन। पार्ट ए सेज दैट व्हाट इज द मिनिमम सिस्टम bandwidth required for detection of pulse amplitude modulation with no inter-symbol interference and the filter role of characteristics of R is equal to 1. Part B says that using the same role of filter characteristics, what is the minimum bandwidth required for the detection of binary PCM waveform if the samples are quantized to 8 levels? And part C says that repeat part B using 128 quantization levels. तो अगर मैं इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को देखूं तो इन प्रिंसिपल मुझे पार्ट ए और पार्ट बी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो पार्ट ए पार्ट बी अगर मेरे पास हो जाएंगे पार्ट सी मैं बड़े आराम से कर लूँगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि मैं किसी भी सिग्नल को जब सैंपल कर रहा हूँ तो 8000 सैंपल पर सेकंड मुझे मिल रहे हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैंने जैसे ही मुझे 8000 सैंपल्स मिले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिजल्ट में, मैं डायरेक्टली उन सैंपल्स को ही ट्रांसमिट कर दूँ, उनको फर्दर PCM बाइनरी वेव फॉर्म की तरफ ना लेके जाऊँ, क्वांटाइजेशन ना करूँ, तो जहाँ मुझे सैंपल मिले वहीं पे मैं ट्रांसमिट कर दूँ। तो अगर मैं वो सिचुएशन लेके चलना चाहता हूँ तो आई वुड लाइक टू यूज़ द फॉर्मूला दैट इज W इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1+R इंटू RS। दिस इज बेसिकली एक्चुअल सिस्टम बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1+R इंटू W नॉट जो कि RS/2 है, नाइक्विस्ट मिनिमम बैंडविड्थ है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास सैंपल रेट ही बेसिकली सिंबल रेट बन जाएगा, क्योंकि जितने सैंपल्स पर सेकंड में जनरेट कर रहा हूँ उतने ही सैंपल्स पर सेकंड में ट्रांसमिट भी कर रहा हूँ। तो इन प्रिंसिपल इफ़ आई पुट इन द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1 हेयर एंड पुट आर एस इज इक्वल टू 8000, तो दैट विल टर्न आउट टू बी 8 kHz। तो मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ जो हमें रिक्वायर्ड होगी विद रोल ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 8 kHz। अगर और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दैट दिस इज द केस व्हेन आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट द सैंपल्ड वैल्यू डायरेक्टली विदाउट गोइंग फॉर द क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। तो इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पार्ट बी सेज दैट के अगर मैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन करने की बजाय, यानी कि सैंपल्ड वैल्यू को डायरेक्टली ट्रांसमिट करने की बजाय, अगर मैं उसको क्वांटाइज कर दूँ और क्वांटाइज करने के बाद उसको मैं इनकोड करके प्रॉपरली ट्रांसमिट करूं, तो सिचुएशन मेरे पास क्या होगी। तो अगर आप देखें तो पार्ट बी में मेरे पास जो क्वांटाइजर है दैट इज़ 8-level क्वांटाइजर, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स पर क्वांटाइजेशन लेवल जो है दैट वुड बी 3 bits और नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल वुड बी 3 bits पर सैंपल। तो अगर मैं डेटा रेट निकालूँ, अब इस फॉर्मूले को अगर मुझे यूज़ करना है तो इस फॉर्मूले को बेसिकली आप मुझे इसमें वैल्यू चाहिए आर एस की, आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 1, मुझे आर एस की वैल्यू चाहिए। तो आर एस की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आर बी चाहिए, अगर मुझे आर बी मिल जाए तो मैं आर एस उससे कैलकुलेट कर सकूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं आर बी कैलकुलेट करूँगा। तो आर बी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 8000 सैम्पल पर सेकेंड, और मुझे ये पता है कि मेरे पास बिट्स पर सैम्पल कितनी है, यहाँ पे पल्सेज लिखें लेकिन बेसिकली यहाँ पे 3 bits पर सैंपल होना चाहिए। सो अगर 3 bits पर सैंपल मेरे पास हैं और मेरे पास सैंपलिंग रेट है 8000 सैंपल्स पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो बिट रेट बनेगा दैट वुड बी 24000 bits पर सेकंड बनेगा। सो आर बी मेरे पास आ जाएगा 24000 bits पर सेकंड। अब यहाँ से मुझे आर एस निकालना है, तो अगर आप देखें ओरिजिनली यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर
दूसरा केस हम देखे हैं, वी यूज द बाइनरी पीसीएम वेवफॉर्म फॉर ट्रांसमिशन। तो जब हम बाइनरी पीसीएम वेवफॉर्म की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम एक बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट कर रहे हैं, विच मीन्स आर बी इज इक्वल टू आर एस एज्यूम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो अगर मैं आर बी मेरे पास 24,000 बिट्स पर सेकेंड है, तो मैं उसी को आर एस एज्यूम करूँ और यहाँ पे वैल्यू पुट इन कर दूँ, दैट वुड बी 1/2 इंटू 1+1 इंटू 24,000 बिट्स पर सेकेंड बेसिकली मैं डाल लूँगा, तो दैट विल टर्न आउट टू बी 24 किलोहर्ट्ज़। तो पार्ट बी के लिए जो मुझे मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, दैट इज इक्वल टू 24,000 हर्ट्ज़ मुझे चाहिए होगी। और अगर मुझे पार्ट सी में बेसिकली रिपीट करना है विद 128 क्वांटाइजेशन लेवल्स, तक पार्ट बी को रिपीट करना है, तो अगर मैं 128 क्वांटाइजेशन लेवल्स रखूँगा, तो इसका मतलब है आई हैव 7 बिट्स पर सैंपल। यहाँ पे 3 बिट्स पर सैंपल था, यहाँ पे पार्ट सी में 7 बिट्स पर सैंपल होगा। तो अगर मैं 7 बिट पर सैंपल रखूँगा और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8,000 सैंपल्स पर सेकंड, देन द डेटा रेट और आर बी वुड बी इक्वल टू 56,000 बिट्स पर सेकंड। ये ख्याल कीजिएगा, ये पल्सेस लिख दिया गलती से मैंने, इट शुड बी बिट्स, यहाँ पे ये बिट्स होने चाहिए। तो 56,000 बिट्स पर सेकंड आ जाएगा मेरा। और अगर मेरे पास रोल ऑफ फैक्टर की वैल्यू वही है, दैट इज़ इक्वल टू 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1+1 इंटू आर एस, तो आर एस की जगह मैं बेसिकली 56,000 बिट्स पुट इन करूँगा, एंड दैट टर्न आउट टू बी कि मुझे 56,000 किलो हर्ट्ज़ चाहिए होंगे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस वेव फॉर्म, इफ़ आई एम ट्रांसमिटिंग इट एज बाइनरी पी सी एम वेव फॉर्म। तो ये था आपका प्रॉब्लम 3.11। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 3-12 पे। सो प्रॉब्लम 3-12 सेज दैट an analog signal is PCM formatted and transmitted using binary waveforms over a channel that is band limited to 100 kHz. Assume that 32 quantization levels are used and that the overall equivalent transfer function is of the raised cosine type with the roll-off factor R is equal to 0.6. Part A says that find the maximum bit rate that can be used by this system without introducing inter-symbol interference. Part B says that find the maximum bandwidth of original analog signal that can be accommodated with these parameters. And part C says that repeat parts A and B for transmission with 8 array pulse amplitude modulated waveforms. तो इस perspective से अगर मैं देखूँ तो overall situation मेरे पास ये है कि मुझे part A में maximum bit rate find करना है जो कि system में मैं use कर सकता हूँ without introducing inter-symbol interference. So if I go back to this formula, that is W, which is the allowed system bandwidth, it is equal to 1/2 into 1+R into RS. W की value मेरे पास given है यहाँ पे, क्योंकि मेरा channel band limit हुआ हुआ है 100 kHz तक, तो W की value है 100 kHz, W की value मैं put in कर सकता हूँ। Roll off factor जो given है, that is 0.6, तो R की value अगर मैं 0.6 डालूँगा, this will become 1.6. आर एस की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, उसकी वजह यह कि अगर मुझे आर एस की वैल्यू मिल जाए तो मैं उससे बिट रेट निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से, क्योंकि मेरे पास सिंबल रेट अगर है तो बिट रेट और सिंबल रेट की कन्वर्जन बड़ी ईजी है। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, मेरे पास बैंडविड्थ मौजूद है, मेरे पास रोल ऑफ फैक्टर मौजूद है, तो मैं किसी तरह ये सिंबल रेट निकाल लूँगा, इस सिंबल रेट की बेस पे मैं बिट रेट निकाल लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट इन करूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 किलोहर्ट्ज़ एंड आर इज इक्वल टू 0.6, तो मेरे पास जो सिंबल रेट आएगा दैट वुड बी 125 सिंबल्स पर सेकंड, किलो सिंबल्स पर सेकंड, 125 किलो सिंबल्स पर सेकंड आ जाएगा। ये था मेरे पास आर एस, मुझे अब निकालना है आर बी। तो अगर आप वापस जाएं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल इज पीसीएम फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड यूजिंग बाइनरी वेवफॉर्म। तो जब भी हम बाइनरी वेवफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर ट्रांसमिटिंग 1 बिट एट अ टाइम, वी आर नॉट कंबाइनिंग द बिट्स टू मेक दोस सिंबल्स। तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी बाइनरी वेव फॉर्म की बात करते हैं, तो बाइनरी वेव फॉर्म में हमेशा सिंबल रेट इज इक्वल टू बिट रेट। तो इसका यह मतलब है कि यहाँ पे जो हमने सिंबल रेट निकाला है 125 किलो सिंबल्स पर सेकंड का, दैट इज इक्वल टू द बिट रेट विच इज बेसिकली 125 किलो बिट्स पर सेकेंड। सो पार्ट ए आपको हो गया, जिसमें बेसिकली आपने बिट रेट निकालना था। अब आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ, फाइंड द मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल दैट कैन बी अकोमोडेटेड विद दीज पैरामीटर्स। तो अगर मैं ओरिजिनली देखूं
तो जो ओरिजिनल सिग्नल था वो एनालॉग था, उसको हमने डेफिनेटली सैंपल किया था, उसको हमने क्वांटाइज किया था, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके बाद मुझे अब चाहिए मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। तो अगर हम देखें तो हमने रिवर्स ऑर्डर में जाना है। पहले हमें ये होता था कि हमें बैंडविड्थ ओरिजिनल सिग्नल की पता होती थी, उसके हिसाब से हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते थे और उसके पर्सपेक्टिव से हम सारी डिजिटाइज कर देते थे। तो अब हम हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल है डिजिटल डोमेन में और या उस कन्वर्जन वाली डोमेन में, और हमने ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ निकालनी है। तो अगर मैं ये अप्रोच लेके चलूं कि अगर किसी तरह मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लूं, और मुझे चूंकि ये पता है कि मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रखनी है वो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी के परस्पेक्टिव से रखनी है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तो अगर मुझे किसी तरह सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का हाफ करके अपने ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, जो कि बेसिकली उसकी बैंडविड्थ भी होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके हिसाब से हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। तो जो भी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको अगर मैं हाफ कर दूंगा तो डैट विल गिव मी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और बेसिकली अगर जीरो से लेकर उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक मैं देखूंगा तो मेरे पास टोटल बैंडविड्थ आ जाएगी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस थिंग, मेरे पास जो क्वांटाइजेशन है दैट इज़ बेसिकली अ 32 लेवल क्वांटाइजेशन, विच मीन्स नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल वुड बी 5। सो 5 बिट्स पर सैंपल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास डेटा रेट जो मैंने पार्ट ए में कैलकुलेट किया था दैट इज़ 125 किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो मैं आर बी इज इक्वल टू 125 किलो बिट पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 किलो बिट पर सिंबल पर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास 125 इज इक्वल टू 5 इंटू एफ एस आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो एफ एस वुड बी इक्वल टू 125 किलो बिट्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 बिट्स पर सैंपल। तो दिस विल गिव मी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 25 किलो सैम्पल्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो बेसिकली 25 किलो सैम्पल्स पर सेकेंड यूज हो रही है। और अगर मैं इसका हाफ कर लूँ तो डब्ल्यू एनालॉग मैक्सिमम निकल आएगा 1/2 एफ एस, दैट विल बी इक्वल टू 12.5 किलो हर्ट्ज। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर आप पार्ट सी में चले जाएँ तो अगेन यही सिचुएशन है, बिट रेट आपके पास सिंबल रेट आपके पास है, वो बिट रेट आप निकाल लेंगे, पीसीएम सिग्नलिंग आपके पास है, और 8 एरे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप बेसिकली बिट टू सिंबल कन्वर्जन सिर्फ यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अदरवाइज बेसिकली आर एस आपके पास 125 किलो सिंबल्स पर सेकेंड है, और अगर आप आर बी निकालेंगे तो 125 इंटू 3 इज इक्वल 375 किलो बिट पर सेकेंड आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं क्वांटाइजेशन अगेन वही 5 बिट्स पर सैंपल कर रहा हूँ तो मेरे पास 375 किलो बिट पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 किलो बिट पर सैंपल मल्टीप्लाई बाय सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस पर्सपेक्टिव सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मेरे पास 75 किलो बिट्स आ जाएगी, और डब्ल्यू एनालॉग जो मुझे चाहिए जो मेरे सिग्नल की होगी डैट वुड बी 1/2 एफ एस विच इज इक्वल टू 37.5 किलो हर्ट्ज। सो दैट इज प्रॉब्लम 3.12 जो कि हमने कवर किया। नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम 3-13। 3-13 says that assume that equally likely return to zero binary pulses are coherently detected over a Gaussian channel with n not is equal to 10 to the power minus 8 watt per hertz. Assume that synchronization is perfect and that the received pulses have an amplitude of 100 millivolt if the bit error probability specification is PB is equal to 10 to the power minus 3. Find the largest possible data rate that can be transmitted using this system. तो अगर आपको इसी लेक्चर का स्टार्ट याद हो तो मैंने आपको बिट एरर के 3 फॉर्मूले करवाए थे, उनमें एक केस था जब हमारे पास पी बी इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ई बी अपॉन एन नॉट है, और बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 टाइम्स एन नॉट होना चाहिए, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 एन नॉट होना चाहिए, क्योंकि हमने जब भी कहा था कि यूनिपोलर सिग्नलिंग है तो यूनिपोलर सिग्नलिंग विज बेसिकली आर जी, जहाँ पे हम एक सेट सपोज S1 के लिए हम अंडर रूट ई बी यूज़ कर रहे हैं और जीरो के लिए हम जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न टू जीरो, तो हम एक सिंबल को जीरो वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे सिंबल को हम एक सर्टन वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा दैट वुड बी क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ई बी ओवर ट्वाइस एन नॉट होगा, यहाँ पे ये 2 मिसिंग है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है इनफैक्ट, तो यहाँ पे ये 2 एन नॉट होना चाहिए जो कि हमने ओरिजिनल फॉर्मूला भी ड्राइव भी किया था। तो अगर मैं ई बी की वैल्यू पुट कर दूँ एज ए स्केयर इंटू टी तो मेरे पास क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ए स्केयर टी ओवर 2 एन नॉट आ जाएगा। तो अब मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं किसी तरह
इस टी की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए जो कि बेड टाइम बनेगा, तो बेड टाइम अगर मुझे मिल जाए तो मैं उससे बेड रेट निकाल सकता हूँ। सो ए स्केयर इंटू टी ओवर टू एन नॉट में अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूँ तो ए इज़ बेसिकली 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट इज़ बेसिकली 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट को जब आप स्केयर करेंगे ए स्केयर के परस्पेक्टिव, दैट वुड बी 0.01 इंटू टी आ जाएगा डिवाइड बाई टू एन नॉट। अब मैंने पहला जो प्रॉब्लम हमने किया था वहाँ पे भी हमने ये किया था कि बिट एयर प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ दिस आर्गूमेंट है। मुझे अगर बिट एयर प्रोबेबिलिटी पता है 10^-3 होनी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू गो इन रिवर्स ऑर्डर कि मुझे ये पता है कि पी बी की वैल्यू क्या है, तो मुझे अब ऐसा आर्गूमेंट ढूंढना है इस क्यू फंक्शन का जिस आर्गूमेंट पे इस पूरे क्यू फंक्शन की वैल्यू 10^-3 हो जाए। तो अगर मैं जैसे मैंने पहले बिल्कुल पहला जो सॉल्व किया था प्रॉब्लम इस ट्यूटोरियल के शुरू में जो कि लास्ट लेक्चर में था, अगर उसकी पर्सपेक्टिव से ही देखें तो अगर मैं इस आर्गूमेंट की वैल्यू 3.1 के इक्वल रखूं तो मेरे पास पी बी विल बी इक्वल टू 10^-3। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं पूरे के पूरे आर्गूमेंट को इक्वेट कर दूंगा इक्वल टू 3.1। तो दैट इज़ बेसिकली 0.01 इंटू टी डिवाइड बाई 2 इंटू 10^-8 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3.1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ स्केयर लें तो दिस विल बी 3.1 का स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.1 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10^-8 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 0.01 से। तो यहाँ से जो आपको चीज़ मिलेगी दैट वुड बी इक्वल टू टी और बेड टाइम बेसिकली। तो बेड टाइम इज इक्वल टू 19.2 माइक्रो सेकेंड। सो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर बेड टाइम है तो मैं उस बेड टाइम को इन्वर्ट करके बेसिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ बेड रेट। तो अगर मैं इसको 19.2 माइक्रो सेकेंड को इन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास जो बिट रेट आएगा आर बी डैट वुड बी इक्वल टू 52083 बिट्स पर सेकेंड। तो ये एग्जैक्ट ये आपके पास आएगा 19.2 माइक्रो सेकेंड के परस्पेक्टिव से अगर आप देखें। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो दिस इज़ प्रॉब्लम 3-13। तो आप इसको ओवरऑल अगर आप देखें तो आप इसको वेरीफाई डेफिनेटली कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज प्रॉब्लम 3.14। सो प्रॉब्लम 3.14 सेज दैट कंसीडर दैट एनआरजी बाइनरी पल्सेस आर ट्रांसमिटेड अलोंग अ केबल दैट अटेन्यूएट्स द सिग्नल पावर बाय 3 dB फ्रॉम ट्रांसमिटर टू रिसीवर। दीज पल्सेज आर कोहेरेंटली डिटेक्टेड एट द रिसीवर एंड द डाटा रेट इज 56 kbps। Assume Gaussian noise with n not equal to 10^-6 watts per hertz. What is the minimum amount of power needed at the transmitter in order to maintain a bit error probability of PB is equal to 10^-3? So, अगर मैं non return to zero वाला देखूँ तो non return to zero में जो case applicable होगा, क्योंकि non return to zero अगर आप याद करें तो हम zero के लिए एक voltage level और one के लिए दूसरा voltage level रखते हैं, तो that would be antipodal signaling। और एंटीपोडल सिग्नलिंग के परस्पेक्टिव से अगर देखूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला बिट एयर प्रोबेबिलिटी को यूज़ होगा दैट वुड बी क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ई बी अपॉन एन नॉट यूज होगा। सो अगेन ई बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ए स्केयर इंटू टी से, और इसमें अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास टू एज इट इज आ जाएगा, ए स्केयर मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं ए स्केयर को एज इट इज लिख दूंगा। टी बी जो है दैट इज़ बेसिकली बिट टाइम, तो बिट टाइम इज़ बेसिकली इनवर्स ऑफ वन इनवर्स ऑफ बिट रेट। मेरे पास बिट रेट है 56 kbps, तो मैं 1/56 kbps करूँगा तो मुझे बिट टाइम यानी कि टी बी या टी मिल जाएगा। तो मैंने टी की अगर रिप्लेस कर दिया 1/56,000। एन नॉट की वैल्यू मुझे गिवन है 10^-6 वॉट पर हर्ट्ज़। तो मेरे पास ये पूरे का पूरा आर्गूमेंट आ गया। अब जो मेरे पास एरर प्रोबेबिलिटी की स्पेसिफिकेशन है दैट डिमांड्स कि मेरे पास पी बी की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 10^-3। तो अगर मैं इसको 10^-3 के इक्वल रखना चाहता हूँ तो मुझे इस आर्गूमेंट की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिस पे क्यू फंक्शन की वैल्यू जो है वो 10^-3 बन जाए। तो अगेन चूँकि यहाँ पे सिंपल हुआ हुआ है काम, तो क्यू फंक्शन अगर मैं देखूँ तो क्यू फंक्शन टेबल से मुझे आर्गूमेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो 3.1 मिलेगी। तो अगर मैं इस 3.1 की वैल्यू को इक्वेट कर दूं इस क्यू फंक्शन के आर्गूमेंट के साथ तो दैट वुड बी अंडर रूट ट्वाइस ए स्केयर 1/56,000 डिवाइड बाई 10^-6 इज इक्वल टू 3.1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सिर्फ एक अननोन है दैट इज ए स्केयर। तो अगर मैं ए स्केयर कैलकुलेट करूं तो दैट विल टर्न आउट टू बी 0.268 वॉट्स और 268 मिली वॉट। तो मेरे पास जो पावर है दैट
पावर इज बेसिकली 268 मिली वॉट। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो हमने कैलकुलेशन जितनी की है, ये ए स्केयर जो है ये रिसीवर के परस्पेक्टिव से हुई हुई है। ये जो पावर है ए स्केयर, ये हमें चाहिए एट द रिसीवर, दैट इज 268 मिली वॉट। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो है वो 3 dB की अटेन्यूएशन भी है। इसका मतलब है हाफ पावर, लीनियर स्केल पे हाफ पावर की अटेन्यूएशन है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू रिसीवर पे है। तो अगर मुझे ट्रांसमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीनियर स्केल में, क्योंकि डीबी स्केल में अगर हम देखें तो डीबी स्केल में हाफ पावर का मतलब है -3 dB लॉस, या 3 dB का लॉस या 3 dB की अटेन्यूएशन है। तो 3 dB की अटेन्यूएशन बेसिकली अगर आप लीनियर स्केल में लेके जाएंगे, तो ये 3 dB का लॉस आपको ट्रांसमीटर से रिसीवर के दरमियान मिलेगा। तो अगर मैं ये जेन में रखूं कि मुझे रिसीवर पे 268 मिली वॉट चाहिए, तो क्या पावर ट्रांसमिट करूं मैं ट्रांसमीटर से कि मुझे रिसीवर पे 268 मिली वॉट रिसीव होंगे, तो सिंपली 268 मिली वॉट को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 538 मिली वॉट अगर मैं ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करूंगा तो ही मुझे रिसीवर पे 268 मिली वॉट मिलेंगे, अदरवाइज 268 मिली वॉट मुझे रिसीवर पे नहीं मिलेंगे। और अगर 268 मिली वॉट नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वायलेट दिस कंडीशन, जो कि हम बेसिकली बेटर प्रोबेबिलिटी भी लगा रहे हैं 10^-3। तो द क्वेश्चन इज कि सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। सिस्टम स्टिल काम करेगा, ट्रांसमिशन अभी भी हो रही है होगी, लेकिन बेटर प्रोबेबिलिटी जो है वो 10^-3 नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि एरर इंक्रीज हो जाएगा और आपकी बेटर प्रोबेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो वायलेट हो जाएगी, लेकिन सिस्टम आपका स्टिल काम करेगा। सो दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी हैड टू सॉल्व इन दिस ट्यूटोरियल।